कभी हाथ न उठाने वाले, कभी सजा न देने वाले राजेश वागले ने आज आपा खो दिया। अथर्व की एक गलती से उसके एक क्लासमेट ने बहुत रो दिया। सजा के तौर पे राजेश ने एक ऐसा रास्ता दिखाया, टॉयलेट साफ करना होगा स्कूल का मुझे दादाजी, और घर का भी मैं नहीं करूंगा। अथर्व को लाइफ का राजेश वागले ने बेहतरीन सबक सिखाया। कुछ दिन पहले की बात है, वो नालायक अथर्वा कहाँ है? अरे सुन वंदना, सुन तो। अथर्वा, अथर्वा। श्श, मम्मी धीरे बोलो, क्या हुआ? आज तू पटेगा, सोने देगा। रोक, रोक। राज भी नहीं आज तुझे बचाने के लिए। अरे राज का बाप तो है ना, आज तू पिटा कहके क्यों इस छोटे से बच्चे को डराती रहती हो? और नहीं तो क्या, बेचारे कितनी शांति से किताब पढ़ रहा था। हाँ देखो स्टोरी बुक। स्टोरी बुक, इस स्टोरी के राइटर का नाम बता। बोल ना, बोल। अरे अपना अथर्वा मुंशी प्रेमचंद जी का नाम कैसे भूल सकता है भला? भूल सकता है भला? अरे इतने छोटे से उम्र में मुंशी प्रेमचंद जी की किताब पढ़ रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे अपने अथर्वा को, है ना? वाह 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 वाह, क्या बात है। एक वाक्य में तीन बार मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया आपने। अब तो बता दे अथर्वा नाम। हाँ, मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। ढोंग कर रहा है ढोंग, एक नंबर का पाखंडी है ये माँ। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। बता वंदना, लेकिन उसे किया क्या ये तो बता। अरे एक चीज करे तब तो बताऊँ माँ, तंग आ गई हूँ मैं। दूध दिया था इसको हल्दी वाला, क्योंकि इसको जुकाम है, तो पूरा का पूरा दूध ग्लास समेत जानबूझकर कमरे में गिरा दिया। मम्मी वो मैंने जानबूझ के नहीं गिराया था, डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए गिराया था। अरे दूध पीने से कब से डेंगू और मलेरिया होने लगा? नहीं नहीं दादी, क्या हुआ, राइट हैंड पे मच्छर बैठा था, मैं लेफ्ट हैंड से उसको मारने गया और ग्लास गिर गया। कितना भोला है ना तू। अरे जमीन पर जो दूध गिरा था गलती से, साफ भी तो मैंने किया था ना, पोछा नहीं लगाया था मैंने। क्या तूने पोछा मारा? हाँ, सखी की ब्रांड न्यू टी शर्ट से। उसमें मैं क्या करता, आपने बोला अथर्व पोछा मार, मैं पूछने भी आया कि कौन से कपड़े से मारूं, आपने बोला कोई भी कपड़ा उठा पर पोछा मार। सखी के कपड़े से ही पोछा मार दिया पापा। मतलब गलत किया, गलत किया तूने, तुझे सखी की टी शर्ट नहीं लेनी चाहिए थी। एग्जैक्टली, स्कूल से शिकायत, बिल्डिंग से शिकायत, दकू भाई रोज नई नई शिकायत लेकर आते रहते हैं। और शकल देखिए इसकी, साफ पता चल रहा है कि कोई बहुत बड़ा कांड करके आया। बता बता क्या किया तूने, बोल रहा है। वंदना एक मिनट। अथर्वा बता, तूने कोई गड़बड़ की है क्या? बता। मैंने नहीं की है कोई गड़बड़। लो, हालांकि पता तो चलेगा ही, इसी तरह मैं डैडी को बता दूंगा, वो तो हंस के मुझे माफ कर देंगे शायद। फिनिश कर, फिनिश कर अभी। सखी पानी और ये पीस। ऑल राइट, एवरीबॉडी रेडी फॉर द गेम? ओके, इस गेम का नाम है उल्लू बना के देखूं कौन है सबसे बड़ा फेंकू। छी, सच है हिंदी साउंडिंग गेम। देखो शुरू हो गया। ओए इट्स एन ओरिजिनल गेम, ओके, चे चे मत कर। अब यही नाम तुमने इंग्लिश में बोला होता ना, हूज अ ब्लफ मास्टर हु कैन ब्लफ फास्टर, तो ये लड़का बोलता वाओ सो कूल, है ना? डैडी गेम क्या है ये तो बताइए ना। ओके, आज हम सब लंच टाइम में बैठे थे ऑफिस में, तो सडनली ये गेम आया दिमाग में। ऑल राइट, तो समझ गए? यस सर। सर मानना पड़ेगा, क्या मस्त गेम है। मैं शुरू करूं? प्लीज। हाँ, तो आपको बताना है कि मैं फेंक रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। तो आज मैंने भिखारी को उसके कटोरे में 50 रुपए दिए। फेंकू? यस सर। कैसे पहचान लेते हैं आप? अच्छा सर चलिए दूसरा। आज मैंने आपके टिफिन से एक रोटी खाई थी। फेंकू, सलाद और सब्जी भी नहीं होगी।
यस सर, आप तो मेरी हर बात पकड़ रहे हैं। दासा ने कुछ ऐसा बोलो जो हम पकड़ ना पाए। भिखारी के कटोरे में पैसे डाल दिए, वो भी 50 रुपए। अरे आप तो भिखारी के कटोरे से पैसा निकालने के लिए केपेबल हो। देखो ऐसे खुद से जुड़ी हुई बातें नहीं है, जनरल बातें। चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं खेलता हूँ। कल रात मैंने ईशा को एक लड़के के साथ कुल्फी खाते हुए देखा। ईशा फेकू, सर फेंक रहे हो ना आप? मैंने मैंने सच में देखा ईशा। ईशा ईशु, अरे वो मेरा छोटा भाई था, इडियट। वो भी 11 साल का। हाँ ठीक है, अब समझे इस तरह खेलना है। ओके सकी स्टार्ट। ओके तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है मलाइका, वो कॉलेज के कैंटीन के पीछे सिगरेट पी रही थी। फेंकू फेंकू व्हाट फेंकू, वो सच में पी रही थी। तो प्रोफेसर गोंधलेकर सर ने ना मलाइका को सिगरेट पीते हुए पकड़ा और बोला कि मुझे भी 2 सिगरेट। फेंकू फेंकू भी 100% फेंकू। नहीं अरे उन्होंने सच में मांगी सिगरेट। सच में सिगरेट मांगी, मतलब प्रोफेसर और वो तुम्हारी फ्रेंड ऐसे दोनों मिलके ऐसे करके सिगरेट पी रहे थे? हाँ। ऐसा कॉलेज है ये? बिगड़ गई है शकी दीदी। नो नो ही इज राइट, तुम्हें पता है ना सिगरेट पीने से कितनी बीमारियां होती है। कैंसर कैंसर, हार्ट अटैक हार्ट अटैक, मलेरिया मलेरिया नहीं होता सिगरेट पीने से। अच्छा तो सिगरेट पी सकते हैं? सिगरेट नहीं पी सकते हैं रे। और राज सखी थोड़ी ना सिगरेट पीती है। वही तो, मैं तो उसके आसपास भी नहीं घूमती। आई जस्ट हेट स्मोकिंग एंड स्मोकर्स। गुड गुड, वी गेट 2 पॉइंट्स। Now who's next? Now my turn. Okay, Atharva, चलो। कल स्कूल में मैंने आर्यन जोशी का टिफिन बॉक्स केविन डिसूजा के लंच बॉक्स से एक्सचेंज कर डाला। Okay, तो हाँ उसमें क्या है? It's okay. Correct. तो आर्यन का चीज चटनी सैंडविच केविन खा गया और केविन का अंडा भुजी सैंडविच आर्यन खा गया। Okay. ठीक है. Absolutely fine. फिर मैंने टीचर के पास जाके सब कुछ सच सच बता दिया कि मैंने ये शरारत की है स्कूल के पहले महीने, और आर्यन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो आर्यन के मम्मी डैडी ने मेरे बारे में प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी और प्रिंसिपल ने मुझे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। फेंकू हाँ। नहीं ये सच है, और फिर प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि आप दोनों को उनसे जाके मिलना पड़ेगा मंडे को, मुझे स्कूल से निकाल दे। फेंकू ही है ना बंदू? हाँ फेंकू ही है, फेंकू है ना? नहीं ये सच है, और आर्यन इतना रोया कि वो बेहोश हो गया। हाँ? और उसकी मम्मी डैडी भी बेहोश हो गए। ये प्लीज बंदू फेंकू है ना? हाँ हाँ फेंकू है, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ करेक्ट। Oh, thank God. क्योंकि सिर्फ आर्यन बेहोश हुआ था, उसकी मम्मी डैडी नहीं। यानी आर्यन सच में बेहोश हो गया? थोड़ा सा, बहुत अपसेट था तो चक्कर आ गए। राजेश भाई, वंदना मैं, आप तो पहले से ही जानते हैं ना कि हम बहुत शाकाहारी लोग हैं। अरे बहुत क्या जयश्री, शाकाहारी मीन शाकाहारी, हम भी शाकाहारी हैं। अरे आप क्या शाकाहारी, हम लोग तो बैंगन भी नहीं खाते, इतने शाकाहारी है। बैंगन मांसाहारी होता है? अरे नहीं, मतलब वो तामसी तो होता है ना राजेश भाई, हम लोग तामसी चीजें भी नहीं खाते, इतने शाकाहारी है। बिल्कुल बिल्कुल, अथर्व ने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है, और इसीलिए उसके और हमारी तरफ से ये रिटर्न अपॉलॉजी है मैम को दे रहा हूं। मैडम हम ये नहीं चाहते कि आप अथर्व को रस्टी क्रिएट करें, पर ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मिसेस जोशी रिपीट नहीं होगा क्योंकि नहीं पिन वंदना, मिसेस जोशी थैंक यू सो मच कि आप भी रस्टी क्रिएट करने के खिलाफ हो। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड मिस्टर वागले,
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द ट्रबल. लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है. देखिए, किसी को भी ऐसा गलत आहार खिलाना ये कोई मामूली शरारत तो है नहीं. हाँ वो तो है. पता है अभी थोड़ी दिन पहले मुझे प्लेन में वो वाली पेटीज दे दी थी. वो वाली मतलब? वो वाली. अच्छा अच्छा, चिकन था वो. तो ये तो चप 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 करके खा गए. फिर पता चला कि दो ब्रेड के बीच में पक्षी था. पक्षी? कुकड़े को. मुझे दो स्लाइस के बीच में कौवा दिखा जाए. क्या हो गया? I'm sorry. हाँ, so मैम, मेरी दरख्वास्त थी कि आप कुछ पनिशमेंट. मिस्टर वागले, बच्चा है. I think he deserves one more chance. Atharva, I hope you won't repeat this mistake again. आपकी धार्मिक भावना को अथर्व ने ठेस पहुंचाई है तो उसके लिए उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा. कौन सा सबक डैडी? I got my सबक ना. No, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए. हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि आप इस छोटे से बच्चे को उल्टा पुल्टा लटका कर मारो हंटर से. नहीं नहीं, उस तरह के पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बहन. तो किस तरह की पनिशमेंट? कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट, जो जिंदगी भर इसे याद रहे. ठीक है, 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए. नहीं आऊंगा स्कूल. बस पिकनिक पे नहीं जा रहे हो, पनिशमेंट की बात हो रही है अथर्व. इट्स ओके राजेश अंकल, अथर्व मेरा फ्रेंड ही तो है. तो तुम्हारे फ्रेंड की भलाई की खातिर ही दिलवाना चाहता हूँ उसे पनिशमेंट. किस तरह की पनिशमेंट मिस्टर वागले? टॉयलेट साफ करना होगा स्कूल का मुझे दादाजी. यस, और घर का भी अगले 7 दिनों तक. मैं नहीं करूंगा. आवाज नीचे अथर्व. हम लोग हंसेंगे मुझ पर. तो हंसने दो. अभी क्या वही नहीं है? अभी क्या टॉयलेट साफ करेगा हमारा अथर्व? ये तो हमारे जैसे लोगों का काम होता है साहेब. तुम्हारे जैसे लोग मतलब? काम काम होता है आशा. किसी भी इंसान के माथे पे लिखा नहीं होता कि वो किस काम के लिए बना है. सही कहा राजू ने, सही कहा. हाँ, अरे पता है दादर के घर का टॉयलेट और बाथरूम दिन में 2 बार धोती थी मैं खुद. फिर हाँ हाँ, वो दादर का टॉयलेट कितना साफ सुथरा और सुंदर था. जी चाहता है. पता है सीनियर वागले, मुझे पता है आपका बस चलता ना तो दादर का पूरा टॉयलेट उखाड़ के आप यहाँ ले आते. पता है मुझे. एक मिनट, मम्मी पापा, मुद्दा ये है अथर्व, तुम्हें घर का और स्कूल का टॉयलेट साफ करना ही होगा. अथर्व, ये रहा टॉयलेट क्लीनर, ये रहा ब्रश. योर पनिशमेंट स्टार्ट्स राइट नाउ, प्लीज गो. मैं नहीं करूंगा. आई विल नॉट डू इट. तू क्या तेरा बाप भी करेगा? वंदना, वो ब्रश, टॉयलेट क्लीनर, वो बकेट मुझे दो. नो नो नो, जस्ट गिव इट हियर. बाप हूं ना तो आई हैव टू लीड बाय एग्जांपल. पापा ने हमें सिखाया है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. अगर अथर्व अपना पनिशमेंट पूरा नहीं करता है तो मैं करूंगा. And my punishment starts now. Atharva, do you know? तुझे पता है कि पापा तेरी पनिशमेंट भुगत रहे हैं, हाँ? हाँ अथर्व, आज तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे? हम तो तुम्हें खेलने देंगे. मुझे नहीं खेलना, मैंने बोला ना विद्युत. ओ, शायद मैंने तुझे तेरे सही नाम से नहीं पुकारा, इसलिए नहीं खेल रहा ना? सही नाम से नहीं बोला है मतलब? सही नाम तो बोला तुमने बेटा, अथर्व. सॉरी आंटी, वो तो गलती से निकल गया. इसका नया नाम तो डोरमैट टॉयलेट क्लीनर है. डोरमैट टॉयलेट क्लीनर. क्या तेरे पापा ने कहा है? क्या बोल रहा है तू? सखी, तुम्हारे भाई को बिल्डिंग में सब डोरमैट टॉयलेट क्लीनर के नाम से बुलाने. यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज मेरे भाई विद्युत ने बिल्डिंग में सबको फोन कर करके बताया कि तुम्हारे भाई को क्या पनिशमेंट दी गई थी. लेकिन पापा, ये है टॉयलेट क्लीनर. विद्युत, बेटा, इसको ना सिर्फ पनिशमेंट दी गई है. ए विद्युत,
अगर तूने अभी उसको इस नाम से चिढ़ाया ना तो घर के तीनों टॉयलेट तुझसे साफ कराऊंगा। नहीं हर्षद, तीन टॉयलेट नहीं, चार टॉयलेट। कैसे? अरे वो हमारे जॉइंट फ्लैट है ना, टू बेडरूम वन बेडरूम, और वो काम वाले के लिए हमने अलग से जो बाथरूम बनवाया था, इसलिए चार टॉयलेट साफ करवाएंगे तुझसे। वो भी मेरे डैडी से धुलवाओ ना, घर पे तो टॉयलेट वही धो रहे हैं। अथर्वा, एक और शब्द और यहीं पे गाल लाल कर दूंगी। तू घर जा, चल उठ, राइट नाउ उठो। मम्मी मैं नहीं करूंगा टॉयलेट क्लीन, अगर आप फोर्स करोगे तो मैं लीव दिस हाउस। धमकी देगा तू, एक थप्पड़ पड़ेगा ना अथर्वा। हां करो दादागिरी, हम छोटे आप बड़े इसलिए दादागिरी करते रहते हो ना। ऐसा नहीं है अथर्वा, मम्मी डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे व्हाट भलाई, तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स क्या बुलाते हैं मुझे, पता है तुम लोगों को? अरे क्या अथर्व, तुम्हें पता है ना वो विद्युत, ही सच एन इडियट, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। लेकिन विद्युत ने गलत क्या बोला है, मेरे डैडी ने तो मेरा कचरा किया है। अगर मैं स्कूल जाके टॉयलेट साफ करूंगा ना, सब लोग मेरी वीडियो निकालेंगे। वंदना ये वाला टॉयलेट में क्लीन कर रहा हूं। सखी मेरा एक वीडियो बनाओ एंड पोस्ट इट ऑन फेसबुक। ओके? नो नो डैडी। क्यों नो? प्लीज पोस्ट इट, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर बच्चा देखे, हर बाप देखे। क्या है अब सवाल अथर्व के पनिशमेंट का नहीं रहा, सवाल इस वाहियात सोच का है जिन्हें लगता है ना कि टॉयलेट क्लीन करना, कचरा उठाना, गटर साफ करना ये सारे छोटे और ओछे काम है। इस सोच को बदलने की जरूरत है और ये वीडियो उस सोच के लिए। गुनगुन बेटा, तुम्हारे घर में चार टॉयलेट्स हैं ना, वो मैं साफ करूंगी, चलो। लेकिन मम्मा तुम्हें भी लोग बुलाएंगे डोरोमैक्स टॉयलेट क्लीनर आंटी। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अथर्व, अभी अभी पापा ने कहा ना कि लोगों की ऐसी ही सोच बदलने की जरूरत है, और इस बात में मैं तुम्हारे पापा के साथ खड़ी हूँ। चलो बेटा। एक मिनट मम्मा, मैं भी आपके साथ आती हूँ, दो टॉयलेट आप क्लीन करना, दो टॉयलेट मैं क्लीन करूंगी। ओके चलो। अच्छा साफ सफाई हो रही है? हाँ मम्मी पापा। अरे आ गई तू, चलो हाथ मुंह धो लो और तू प्लेट निकाल जा। क्या लाई आप माँ? अरे गरम गरम समोसे। कोथिंबीर वड़ी। राजू आजा। मम्मी पापा आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खाएंगे जब ये सारा काम निपट जाएगा। हाँ माँ, एक तरह का सत्याग्रह है ये। सिर्फ किताबों में सत्याग्रह के बारे में पढ़कर वाह-वाह कब तक करते बैठेंगे, यू नो वी शुड ऑल्सो लीड बाय एग्जांपल। जब तक अथर्वा अपनी सजा पूरी नहीं करता तब तक हम उसकी सजा निभाएंगे। नहीं नहीं अथर्व बेटा, तुम्हारे डैडी यही कहते हैं जो तुमने गलती की है ना, उसका पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, और नहीं तो क्या, इतनी जिद बेटा। आप समझ में आया वंदना, तुम तीनों ना ये बाथरूम और टॉयलेट क्यों साफ कर रहे हो? हाँ मैं और मम्मा तो जिद करके हर्षद अंकल के घर के चारों टॉयलेट साफ करके आ रहे हैं, और ये देखो बेशरम हाथ पे हाथ धरे बैठा है। सखी तुम क्यों उसके साथ बहस कर रही हो, उसे जो करना है वो करने दो, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। अगर बेटा अरे क्यों समझा रहे हैं उसे, हाँ क्यों समझा रहे हैं? पता है वंदना, जब मैं बीमार थी ना तो राजू 2 दिन में ना रोटी बेलना सीख गया था। आड़ी तेड़ी सही पर बेलने लगा था वो। हाँ। और जब मेरी नौकरी चली गई थी याद है ना राधिका? कैसे भूल सकती हूँ मैं, पता है राजू छोटा था ना तो घर घर जाके अखबार बांटता था ताकि 4 पैसे घर पे कमा के लाए, इससे भी छोटा था वो। अथर्वा राजू ना हमारा अभिमान है, और तुम देखो शर्म आनी चाहिए तुझे, जाने तो क्या बोल रही हूँ मैं,
देखो एक काम करते हैं, हम मीरा इन तीनों का सत्याग्रह में साथ देते हैं। अपने घर से शुरुआत करते हैं। नहीं एक काम करते हैं, वो दबड़ू है ना जोशीपुरा, रूल्स बाय रूल्स फूल्स एंड फूल्स, उसके घर चलते और कहते हैं कि हम दोनों आपका बाथरूम टॉयलेट साफ करने को तैयार हैं। ठीक है चलो चलो आओ झाड़ू चलो एक दो चलो आओ। मैं करूं? नहीं, मैं और तुम हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। तुम्हारे पनिशमेंट में मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा। ठीक है चलो आ जाओ शुरू हो जाओ। ए शाबाश। That's like my son! Yay! And... Hello, Mr. and Mrs. Wagle. I am really, really proud of Atharva. आज इसने स्कूल के टॉयलेट की बहुत अच्छे से साफ सफाई की है। और जब सारे बच्चे उसका वीडियो लेने लगे तो उसने अपना फोन दिया और कहा इस पे भी शूट करके पोस्ट कर दो। I am so so proud of him. और पता है मिस्टर वागले? पता है, अथर्व ने सब बताया। In fact, और भी बच्चे जुड़ गए ना मुहिम में? Yes. मुझे आज इतना proud feel हो रहा है ना, because सारे बच्चों ने ये कहा कि आज से हम मिलकर स्कूल के सारे टॉयलेट और बाथरूम की साफ सफाई खुद करेंगे। So sweet. और जो दीदी यहाँ साफ सफाई करने आती हैं, उनका काम में हाथ बटाएंगे। Wow. I am really really proud of अथर्व। No, ma'am. I'm actually proud of my daddy. उन्होंने कितने अच्छे से example दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। You're right. Your parents are really very nice. वन्ना भाभी। मैडम। वन्ना भाभी। ये देखिए, इस अथर्व ने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। अथर्व? पापा वो जोशीपुर अंकल ने कहा। देखो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फिर वो आए और उन्होंने कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखिए अगर यहाँ क्रिकेट खेलोगे तो किसी का भी शीशा टूट सकता है, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। एक मिनट पढ़ो असर, बस तुम बोलो। फिर मैंने सिर्फ इतना कहा कि शीशा टूट सकता है, लेकिन स्पेशली आपके खिड़की का शीशा टूट सकता है। देखा देखा वन्ना भाभी, उस पर आपने क्या कहा? मैंने कहा ऐसी बात है तो तोड़ के दिखाओ। हाँ तो मैंने तोड़ के दिखाया, उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैंने रिक्वेस्ट पूरी की। देखो रिक्वेस्ट पूरी की फिर भी झगड़ने आ रहे हैं। देखिए दक्कू भाई क्या है ना, एक्सक्यूज मी राजेश वागले, ये ऑफिशियल कंप्लेन है, तो मेरा पूरा नाम लीजिए आप। ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा जी, देखिए ये तो बच्चा है ना, और आपको भी ऐसी रिक्वेस्ट। एक्सक्यूज मी, आपको भी लगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मैंने चैलेंज दिया था चैलेंज। वो तो मेरे बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। मेरी वाइफ यामिनी को भी लगता है जब मैं चलता हूँ तो उड़ती है धूल, और जब मैं बोलता हूँ तो झड़ते हैं फूल। अरे वाह, झड़ते नहीं मुरझाते होंगे। देखिए नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। चल तू दूध फिनिश कर। अरे एक सेकंड, वन्ना भाभी आप इसे कुछ समझाइए, आप तो देवी हैं, कुछ भी मैं समझाऊंगा। तू दूध फिनिश करना। दूध में मक्खी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.